हम हो चुके हैं रेडी हल्दी के लिए, और ये अपना हल्दी का सेटअप भी रेडी है, और ये है छुट्टी हमारे साथ बनीती हुई तो ब्राइड भी आ चुकी है ग्राउंड मारने पहले ही हल्दी का। अच्छी खासी धूप है, वेदर इज अंडर कंट्रोल एंड वेरी ब्यूटीफुल वेदर यू नो आज। तो हम अब जाएंगे बाकी तैयारी चेकअप करेंगे। हेलो, हम बाकी तैयारी चेकअप करेंगे और फिर आपको बताते हैं आगे प्रोग्रेस क्या है। फिलहाल के लिए लोग इकट्ठा होने वाले, चलो चलते। बहुत सुंदर ये अपनी एंट्री है, और वो मेरी बहन और जीजू है। वेरी नाइस, आई लाइक दिस होर्डिंग। चलो अब देखते हैं और क्या तैयारियां हुई है। ये होटल काफ़ी खूबसूरत है, फ्लावर्स ही फ्लावर्स बने हैं, और एंट्रेंस की तैयारी हो रही है। अभी एंट्रेंस प्रिपेयर हो रहा है, एक राउंड मार के आते हैं। चलिए देखते हैं कब तक ये हो जाएगी। पूछ के आए हम, डेकोरेशंस भी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट डन। और यहाँ पे भी हमने डेकोरेशन किया था गाइस, यहाँ पे हमने पिक्स लेना बाकी है, बहुत सारे काम बाकी है। जाओ ब्राइड, आगे जाइए आप, ब्राइड को हम आगे जाने देते हैं। यहाँ पे ये सब बैठ के डेकोर का सामान कटआउट कर रहे थे। ये बस ये बैक गेट है इस होटल का। फर्स्ट यू नो सॉसेजेस है, पूरी सब्जी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी है। चलो खाते हैं। ये देखो चाय पी रही है, पकड़ लिया, कोई खा रहा है अरे मैं बना रही हूँ। दीदी प्रो है और क्या, तुमको पता नहीं है दीदी कितनी प्रो है। दीदी प्रो है, चलेगा। लास्ट में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, सब मैनेज करके लास्ट में किसी और को दिक्कत होगा। दीदी कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो भैया बोले हम माटी कोड़ने के लिए आए हैं, हमारे साथ बहुत लोग बने हुए हैं, दीदी भी है हमारे साथ, और अब हम माटी कोड़ की रस्म पूरी करेंगे। आपको मैं दिखाती हूँ, चलो पीछे कहाँ है और लोग। हाँ हाँ दिख तो है ना। ये कौन आ गया, प्राणी आ गया, कोई अलग सा अलग प्राणी। ओ माय गॉड, हु इज दिस पर्सन नाउ। और ये हमारे घर वीडियो बिगाड़ते हुए, ये हमारे घर मटकोर हो रहा है। हम एंगल चेंज करते हुए, क्या भाग क्यों रही है, हम एंगल चेंज कर रहे हैं। ब्लॉगर विकास, आज अनवांटेड लोग नहीं चाहिए हमें। ब्लॉगर विकास, यहाँ पे मम्मी और दीदी माटी खोद रहे हैं। खोदने का मतलब है कि उस एक्स से मिट्टी को निकालना जमीन से, और उस बास्केट में रखना, उसी से पूजा होगी आगे जाके। यहाँ पे माटी कोर के रस्म में इस कुदारी से हम मिट्टी निकालते हैं, पूजा करते हैं धरती माता की, और उसके बाद जो सास सुहागने लगती है जो कि मिलके पूजा करती है, और उनको सिंदूर लगाया जाता है। तो ये रस्म बिहार की है, अगर आपकी भी ऐसी कोई रस्म है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इस तरीके से माटी कोर हमारा कम्प्लीट हुआ और हम वहाँ से निकले। हम तले वाला का नाम सुनना, दक्षिणा की चढ़ाई हल्दी चढ़ाई गई तो मांगे भी छोड़ूंगा। माटी कोर से लौटने के बाद हुआ हमारा दूसरा रिचुअल, जिसे कहते हैं चुमावन, जिसके लिए दुल्हन बैठती है मंडप पे और 5 से 7 भाई चुमावन करते हैं हल्दी और तेल से।
और इसके बाद जैसे ये कंप्लीट हुआ, हम जल्दी से जल्दी यू नो जाना चाह रहे थे उस सेटअप पे जो हल्दी का सेटअप हुआ था सुबह, जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे डीजे भी सेटअप था। तो हम बहुत जल्दबाजी में हमने जितनी जल्दी हो सके इसको कंप्लीट किया, बिकॉज हम पहले से ही बहुत लेट हो चुके थे सुबह से ही। उसके बाद ब्राइड आके बैठ गई थी सेटअप पे और भैया उसकी सिंगल फोटो शूट कर रहे थे, तब तक हम थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरने हैं सांसों में बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरने हैं सांसों में बातों में रोशनी। मस्ती फुटशूट के बाद हम थक गए, उसके बाद हम आए लंच करने। हमने पेट भर कर खाना खाया बिकॉज शाम को थी बारात और उसके लिए हमें प्रिपेयर होना था, सो हम सब ने खा लिया प्रॉपरली। यहाँ पे वरमाला के लिए स्टेज बन रहा था और हम उसको चेक कर रहे थे कि तैयारी पूरे सही टाइम पे हुई है कि नहीं। उसके बाद हम पार्लर गए, पार्लर से रेडी होके आए, ब्राइड को हम लेके आए। बारात आने वाली थी, उससे पहले हम आ चुके थे और फोटोग्राफर वीडियोग्राफर भैया यू नो रिकॉर्ड कर रहे थे, कुछ क्लिप्स ले रहे थे ब्राइड की एंट्री की, और मैं यहाँ पे दरवाज़ा खोलते हुए अगेन।
हमने किया दूल्हे का स्वागत, हमने आरती की और हमने बहुत डांस किया, इतना अच्छा लगा, हमने अच्छा वेलकम किया दूल्हे को। और फिर हुई द्वार पूजा। द्वार पूजा भी हमारा एक रिचुअल है, अगर आपका भी ऐसा सेम रिचुअल है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बट द्वार पूजा लगभग आधे घंटे चली, उसके बाद दूल्हे को उठाने का भी एक अपना एक रिवाज है, जनरली हम दूल्हे को उठा के ही लेके जाते हैं स्टेज पे। तो यहाँ पे मेरे जीजू और मेरे भैया उनको उठा के स्टेज पे लेके जा रहे थे, लगता है दूल्हा कुछ ज़्यादा ही भारी था, बट हाँ फाइनली स्टेज तक हम उनको लेके गए और वो काफ़ी अच्छा लगा वो चीज़। वरमाला और उससे पहले होती है आरती, तो हम सब स्टेज पे गए वरमाला और आरती का सामान लेके, जिसमें दुल्हन और सालिया सब आरती करती हैं। वरमाला के बाद हुई एक और रस्म जो हमारे में होती है, इसे कहते हैं इमली घोटाना। तो यहाँ पे मेरे बड़े मामा करे थे, जो यू नो इमली ब्राइड को खिलाते हैं और उसके बाद ब्राइड को इमली थूकनी पड़ती है, जो मेरी मम्मी अभी एडजस्ट कर रही होंगी। ये भी एक रस्म है हमारे इन्हें, बहुत टाइप के रस्म है, बहुत ज़्यादा ही रस्में हैं, बहुत डाइवर्स है अपना कल्चर। सो यहाँ पे ये होने के बाद जाते हैं दुल्हन और ड्रेस चेंज करती है, तो नेक्स्ट होती है फेरे। कंधे पे पिन कर दे क्या? नहीं गिरे कंधे पे पिन, उधर उधर का भी ओढ़ाना है, हाँ बोले आजकल दो दो चुन्नी चल रहा है, दो दो चुन्नी चलती है। ये अच्छा लगता है, पुल्लू का अच्छा आ रहा है तुम्हारा, वो तो किस्मत सही लग रहा था, ग्रीन है एकदम, मंगटी का ग्रीन है ना, ब्लाउज से मैच कर मेरा। आपको याद है, दो साल हो गया, याद है? याद नहीं है तुमको? मेरे को तो याद नहीं है, याद है क्या बताइए कौन सा कलर? अच्छा हाँ सिंदूर। ड्रेस चेंज करने के बाद ये रस्में शुरू हो गई थी, ये मंडप पे बैठ गए थे और यहाँ पे हो रही थी कन्यादान की रस्म, जहाँ पे मेरे बड़े भैया जल चढ़ा रहे थे और मम्मी पापा कन्यादान की रस्म पूरी कर रहे थे। यहाँ पे जल एक धार में ही छोड़नी पड़ती है, ये भी एक है अपना ट्रेडिशन। और यहाँ पे आप देखोगे इतनी मतलब रात के आई थिंक करते करते काफ़ी समय हो चुका था, हमें तो बहुत नींद आ रही थी बहुत, फिर भी मैं जगी रही थी, मुझे देखना ही था ये मोमेंट, कैसे भी मिस नहीं कर सकते थे। और ये सबसे खूबसूरत टाइम रहता है कन्यादान, जो कि एक माँ बाप अपनी बेटी का करते हैं। सो ये बहुत स्पेशल मोमेंट था जो हमने कैप्चर किया था। फिर हुई फेरों की रस्म, और यहाँ पे मेरे बड़े भैया धान देते हैं दुल्हन को, यहाँ पे उसे ऐसे उसको फेंकना पड़ता है, ये रस्में बहुत कॉमन है इंडिया में। ओम इदम 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 माया इदम लाज्जा लाज्जा। वो एपिक मोमेंट जब सिंदूर
लगाया जाता है। और हमारे में क्या होता है कि सिंदूर आप जब लगाता है दूल्हा तो उसको देख नहीं सकते, सब लोग नहीं देख सकते, पर्दा लगा दिया जाता है आगे जिसमें ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है देखने के लिए। पर मैंने पीछे से ही थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है इसको। सभी से व्यस्त हैं, व्यस्त हैं, नहीं है समय का प्रावधान घटता जा रहा है। उसी तरह भगवान शिव का शादी हो रहा था, भगवान विष्णु पधारे हुए थे, ब्रह्मा जी पधारे हुए थे, इंद्रादि वरुणादि देवता पधारे हुए थे, और भगवान विष्णु का सवार क्या था? तो गरुण जी भी आए हुए थे बारात देखने के लिए कि भाई शिव का विवाह कैसा होता है, जैसे आप अभी बुलाए थे जितने भी गेस्ट को आए हुए देखे, खाए दुनिया अच्छा अच्छा चीज खा कर गए, स्वादिष्ट भोजन इत्यादि खाए। उसी समय होने के बाद एक रिचुअल जहाँ पे सालिया दूल्हे की नज़र उतारती हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और काफ़ी हंसी मजाक चलता है यहाँ पे। सब भाई भाई के पक्ष में मतलब रहता है, भाई भाई के विरोध हम साली के पक्ष ले रहे हैं। आप तो रहेंगे तो यहाँ का कौन ये आगे गाली डरे गाली वेट नहीं होना उससे। चश्मा तो 200-500 का नहीं 200 का दीजिए। हमरा तो कुछ नहीं कर रहा, भाभी क्या चीज है बड़ा है। 5 बजे ये आगरा हो गया हो भाई गिरा नहीं गिरा है तो उसी दिन हमने जूता चुराई कर ली थी और हमने काफी बार्गेनिंग करके अच्छे खासे पैसे भी मांग लिए थे दूल्हे से। इसी तरह हंसी मजाक करते करते रात बीत गई और सुबह हो गया और विदाई का समय आ चुका था। और वो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था क्योंकि एक्चुअली हम सब टायर्ड तो थे ही, बट मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना रोऊंगी, बिकॉज मेरी बहन मेरे साथ ही आसपास ही रहती है तो मुझे मतलब ऐसा नहीं लगा था, बट काफ़ी इमोशनल मोमेंट में मम्मी को ऐसा रोता हुआ देख के तो किसी को भी रोना आ जाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और आई थिंक विदाई सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है एक लड़की के लिए। हमें फील हुआ लिटरली। यहाँ पे हम सब आ चुके थे अपनी बहन को विदाई देने के लिए, मम्मी मंडप पे ही थी तो हमारे में एक ट्रेडिशन रहता है कि मम्मी नहीं आ सकती थी सो बट हाँ मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा रो रही थी और हम सब की आंखों में आंसू भर गए थे एकदम, और बहुत ही इमोशनल था ये सब कुछ। बट इसकी इसी के साथ आई थिंक ये शादी कंप्लीट हुई और यू नो हम सब खुश भी थे, इमोशनल थे और बहुत टायर्ड भी थे। सो आई थिंक मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।